गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास ऑफ साइंस। एज यू नो, इन द लास्ट क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेकंड चैप्टर ह्यूमन सिस्टम्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट सिस्टम व्हिच इज द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। व्हिच इज द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। Chapter number 2, which is human systems. Okay, blood circulatory system. As you know, this system plays an important role in the process of transportation. Listen again, the blood circulatory system plays an important role in the process of transportation. Actually, transportation is a process in which substances are transferred. What type of substances? They may be harmful as well as useful. We can say useful and harmful substances are transferred from one part to the another part of the body, and this process is known as transportation. So we can say this system is very very important and plays a major role in the transportation of useful substances like food, oxygen, water, and harmful substances like excretory products which are formed by the process of excretion. यानी कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम है हमारा, ये सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस में हेल्प करेगा। और ट्रांसपोर्टेशन का सीधा सा मीनिंग ये निकलता है कि जो सब्सटेंसेस हैं, अब उन सब्सटेंसेस को अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, हार्मफुल भी वो हैं, साथ में कुछ अगर जो सब्सटेंसेस हैं वो यूजफुल हैं। तो देखिएगा, यूजफुल सब्सटेंसेस की अमाउंट थोड़ी सी हमें ज्यादा मिलेगी, जबकि हार्मफुल जो सब्सटेंसेस हैं वो हमें थोड़े से कम मिलेंगे। क्योंकि हार्मफुल सब्सटेंस की अगर बात करें हमारी बॉडी में, तो जो प्रोडक्ट निकल के आते हैं सामने, वो हमारे दो मेन प्रोडक्ट हैं। एक तो है यूरिया और सेकंड हम कहते हैं CO2 मेनली। ये दो, हालांकि इनके अलावा कुछ और भी हमारे बॉडी में बनने वाले वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन मेन जो रोल प्ले करते हैं, यानी मेनली जो वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सक्रीशन की प्रोसेस में सब्सटेंसेस जो बनेंगे, वो ये दोनों होते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ टू टाइप्स। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ टू टाइप्स, इट मींस टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम टाइप्स। इट इज ऑफ टू टाइप्स। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन, सॉरी, फर्स्ट वन क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, वाइल सेकेंड वन ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिएगा क्या डिफरेंस है दोनों में, हम बात उनकी करने वाले हैं। देखिए, क्लोज्ड, जैसे कि नाम से आप देख पा रहे हैं, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी जो सिस्टम है, वहां जो ब्लड होगा उस ब्लड का फ्लो क्लोज्ड सिस्टम में होगा। और यहाँ जो क्लोज्ड सिस्टम है, वो क्लोज्ड सिस्टम हमारा होगा ब्लड वेसल्स। यानी जो क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसमें ब्लड का फ्लो होगा ब्लड वेसल्स में। और ब्लड वेसल्स आप जानते हैं थ्री टाइप्स की होती हैं। एक अपन कहते हैं आर्टरीज, सेकेंड होती हैं वेन्स, और थर्ड होती हैं कैपिलरीज। लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द ब्लड वेसल्स इन दिस टॉपिक। हम आगे डिस्कस करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में, इसलिए मैंने यहां शॉर्ट में लिखा है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। लिसन अगेन, द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच द ब्लड फ्लो
flows in the blood vessels is known as closed blood circulatory system. हम बात करें एग्जाम्पल की तो जो ह्यूमन बींग्स हैं यानी हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड टाइप का है क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में होती हैं जहां पे ब्लड का फ्लो कंटिन्यूअसली होता रहता है। अब बात करें ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, जो ब्लड है कैविटी में फिल रहता है, ये कैविटी है, हालांकि इस कैविटी को नाम भी दिया जाता है कैविटी में, ये आपका ब्लड फिल रहेगा। इस कैविटी को नाम दिया जाता है हीमोसील। हीमोसील इज द कैविटी इन विच द ब्लड इज प्रेजेंट इन केस ऑफ ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कि ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे कि आप नाम से देख पा रहे हैं ओपन है तो ब्लड ओपनली एक कैविटी में फिल रहेगा, यहां किसी तरह की कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड डायरेक्टली ऑर्गन्स के कॉन्टेक्ट में रहेगा जबकि क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। हम एग्जांपल की बात करें तो बहुत सारे जो लोअर एनिमल्स हैं, लोअर एनिमल्स जिनको कि अपन इनवर्टिब्रेट या नॉन कॉर्डेट भी कहते हैं, नॉन कॉर्डेट मोस्टली जो नॉन कॉर्डेट है उनमें हमें ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। ओके तो यहां पे हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, टू टाइप्स का है क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज वन टाइप ऑफ एडवांस्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। एडवांस क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जो ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, जिनको कि अपन ब्लड वेसल्स कह रहे हैं। ओके पार्ट्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। फर्स्ट पार्ट इज नोन एज ब्लड, सेकेंड पार्ट इज नोन एज हार्ट एंड थर्ड पार्ट इज नोन एज ब्लड वेसल्स। दीज आर द थ्री मेजर पार्ट्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस ऑल दीज पार्ट्स वन बाय वन इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द ब्लड। यू नो ब्लड, ब्लड इज नोन एज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज नोन एज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। व्हाई इट इज सो, यू नो इन द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड वॉटर इज प्रेजेंटेड एंड वॉटर इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा। यानी जो ब्लड है उसमें वॉटर प्रेजेंट है और वो जो वॉटर है प्लाज्मा की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ब्लड को फ्लूइड नेचर मिल जाती है। फिर हमने कहा कनेक्टिव टिश्यू, देखिएगा कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जो ब्लड है वो बॉडी के टिश्यूज को इवन ऑर्गन्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉन्टेक्ट में रखने का काम करेगा। यानी ब्लड के थ्रू आप देखते हैं जो ऑर्गन्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉन्टेक्ट में बने रहेंगे। तो देखिए कैसे हार्ट से ब्लड जा रहा है लीवर को, हालांकि आर्टरीज लेके जाएगी और लीवर को ब्लड लेके जाने वाली आर्टरी का हम नाम देंगे हिपेटिक आर्टरी। इसी तरह से अगर ऑर्गन्स तक भी जैसे किडनी की बात करें तो किडनी को ब्लड की सप्लाई देने वाली आर्टरी को अपन नाम देंगे रेनल आर्टरी। तो इस तरह से जो आर्टरीज हैं वो ब्लड को कन्वे कर रही हैं, लेकिन ब्लड की हेल्प से जो ऑर्गन्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉन्टेक्ट में बने रहते हैं, इसलिए हम ब्लड को कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। नाउ इट इज क्लियर फॉर यू, वी कैन से द ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट पॉइंट फॉर ब्लड, द ब्लड इज नोन एज द रिवर ऑफ लाइफ। और आप इस बात से एग्री करेंगे कि हम ब्लड को रिवर ऑफ लाइफ कहते हैं। देखिए होता है कि बात क्रिटिकल केसेस में, सिंपल एग्जांपल की अगर बात करें, एक्सीडेंटल केसेस में पर्सन की बात कैजुअल्टी डेथ होने के पीछे का रीजन ये भी सामने आता है कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई थी और उस बहुत ज्यादा एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से पर्सन की डेथ हो गई है।
तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ब्लड है एक तरह से रिवर है लाइफ की, ब्लड है बॉडी के प्रॉपर, तो पर्सन जो है सरवाइव करेगा। अगर ब्लड की डेफिशिएंसी आ गई है, हम एक डिजीज जानते हैं जो कि ब्लड की डेफिशिएंसी से हो जाती है, एक्चुअली डेफिशिएंसी ब्लड की होने का मतलब हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होगी, और डिजीज को नाम दिया जाता है एनीमिया। एनीमिया डिजीज में ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है। देखिए तो ये अलग केस है, दो डिफरेंट केस अपन डिस्कस कर रहे हैं। क्रिटिकल केस जो कि एक्सीडेंटल केस है, वहां ब्लीडिंग हो रही है, एनीमिया में क्या होगा, ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है। ऐसा क्यों होगा, इसके पीछे लॉजिक आप सुनिएगा। हमने वो फूड इंटेक नहीं किया जो हमारी बॉडी में ब्लड के कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी को इंक्रीज करता, यानी हमने हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी इंक्रीज करने वाले, उसकी अमाउंट को मेंटेन करने वाले फूड सप्लीमेंट को इंटेक नहीं किया, यानी कि हमने आयरन प्रोवाइड करने वाले सब्सटेंसेस को इंटेक नहीं किया है, जिसकी वजह से एनीमिया वाली कंडीशन आ गई है। क्वेश्चन अगेन, इफ देयर इज अ लैकनेस ऑफ आयरन सप्लीमेंट इन द फूड, देन ए पर्सन मे बी अफेक्टेड बाय द डिजीज व्हिच इज नोन एज एनीमिया। अगर आपने अपने फूड में आयरन की डेफिशिएंसी कर ली है तो ये वाली डिजीज हो सकती है। तो इस तरह हमने कहा ब्लड इज नोन एज द रिवर ऑफ लाइफ। नाउ द स्टडी ऑफ ब्लड, द स्टडी ऑफ ब्लड, देखिए बायोलॉजी में दो ब्रांच आती है मेनली, हालांकि ब्रांच काफी सारी आती है, मेनली टू ब्रांच यहां इंक्लूड की जाती है, बॉटनी और जूलॉजी। तो वहां पे जो अलग अलग स्टडी है उसको नेम भी अलग अलग दिया जाता है। जैसे हमने किसी सेल की स्टडी करनी है, हमने किसी सेल की स्टडी करनी है तो उस बायोलॉजी को नाम देते हैं सेल बायोलॉजी। हमें जीन्स की स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है तो उस ब्रांच को नाम देते हैं जेनेटिक्स। इसी तरह से ब्लड की जब स्टडी की जाती है तो उसको भी एक नाम दिया जाता है, स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी, देखिए हीम जो वर्ड आ रहा है वो कहीं ना कहीं ब्लड के कंपोनेंट से रिलेट कर रहा है, और आप जानते हैं हीम यहां रिलेट कर रहा है हीमोग्लोबिन के साथ। लॉजी मींस स्टडी, यानी स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हीमेटोलॉजी। अब हम बात करते हैं अमाउंट की, कितनी अमाउंट एक हेल्दी पर्सन में ब्लड की होनी चाहिए। तो ये ऐसा माना जाता है कि जो टोटल बॉडी वेट है उसका 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट, 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट, एक एग्जांपल लेके अपन इसको समझेंगे। यानी एक हेल्दी पर्सन में ब्लड की जो अमाउंट है वो उसके वेट का 8% होनी चाहिए। सपोज दैट किसी पर्सन का वेट है 50 kg, 50 kg किसी पर्सन का वेट, इसका 8% देखिएगा कैसे निकलेगा, 50 × 8/100 परसेंटेज ऐसे तो निकालते हैं, 8% हो गया 8/100, तो यहां से ही आंसर हो गया, ये आपका हो गया 40/10, इट मींस 4 लीटर ब्लड होगा उस पर्सन में जिसका की बॉडी वेट है 50 kg। ऐसा माना जाता है कि हेल्दी पर्सन में 4 to 5 लीटर ब्लड तो होना ही चाहिए, इससे कम अगर ब्लड है तो वो एनीमिक कंडीशन मानी जाती है, और उस पर्सन को जो सप्लीमेंट वो इंटेक करेगा उस सप्लीमेंट में आयरन इंटेक करने के लिए एडवाइस किया जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि जो ब्लड की अमाउंट है एक पर्सन की बॉडी में वो वेट का 8% होना चाहिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड, केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड। देखिएगा केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड, बेसिकली हम अगर बात करें केमिकल कंपोजिशन की तो ब्लड में मेनली टू पार्ट्स हैं, मेनली टू पार्ट्स यहां ब्लड में आते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ ब्लड इज नोन एज प्लाज्मा, बाय सेकेंड पार्ट इज नोन एज ब्लड कॉर्पसल्स,
blood corpuscles, which are the two main component of the blood. यानी केमिकल कंपोजिशन की हम बात यहां कर रहे हैं, तो चाहे हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें या ब्लड के मेन कंपोनेंट्स की बात करें, एक प्लाज्मा है और दूसरा आपका ब्लड कॉर्पसल्स. अब परसेंटेज की बात करें, प्लाज्मा फॉर्म्स 55% पार्ट ऑफ द टोटल ब्लड, ऑफ द टोटल ब्लड. बॉडी में जितना ब्लड होगा उसका 55% पार्ट यहां प्लाज्मा होगा, रिमेनिंग पार्ट आपका ब्लड कॉर्पसल्स के साथ जाएगा, और रिमेनिंग पार्ट आपका होगा 45% है. यानी 45% में ब्लड कॉर्पसल्स यहां पे रहने वाली है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द प्लाज्मा. प्लाज्मा वॉटरी सब्सटेंस, प्लाज्मा इज ए वॉटरी सब्सटेंस. इन द प्लाज्मा 92% वाटर एंड 8% इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर देयर. ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर देयर. ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर देयर. यानी वहां इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जिनमें कार्बन एब्सेंट है वो भी प्रेजेंट होंगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जिनमें कार्बन प्रेजेंट है वो भी वहां प्रेजेंट होंगे. इसके बाद बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, इवन जो एंटीबॉडीज बनाने वाली स्ट्रक्चर होती है वो भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है. और नेक्स्ट जो पार्ट हम यहाँ बात कर रहे हैं ब्लड कॉर्पसल्स, इसके हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तो ध्यान से आप पढ़िएगा. If you have any doubt, difficulty, problem in this section, in this part of second chapter, you can send me your messages via WhatsApp. That's all for today. Thank you.